हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इकोनॉमिक्स के लेक्चर सीरीज़ में बीए पार्ट थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। इसका टॉपिक है मनी का मीनिंग एंड फंक्शन। इस संबंध में अपन बात करेंगे। जैसे मनी का मीनिंग अपन पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, तो अपन पहले बात करते हैं मनी का मीनिंग यानी मुद्रा का अर्थ या तात्पर्य। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो परिभाषाएं अपन ने वही ली है जो पिछले लेक्चर में ली है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहली परिभाषा है प्रोफेसर वाकर के अनुसार, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यानी जो मुद्रा के कार्य, जैसे आगे अपन टॉपिक में पढ़ेंगे, वो सारे कार्य करने वाली कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने परिभाषा दी है, तो उसका आंसर है प्रोफेसर वाकर। अगली परिभाषा आपने ली है परिभाषा जो प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार, कोई भी वस्तु जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है तथा साथ ही मूल्य के मापन और मूल्य संचय का कार्य करती है, मुद्रा के रूप में परिभाषित की जा सकती है। इस परिभाषा को काफ़ी हद तक मुद्रा की परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु ये परिभाषा भी पूर्णता नहीं है। इस परिभाषा को अपने यहाँ इसलिए लिया कि एक तो इसको स्वीकृति ज़्यादा मिली इस परिभाषा को, और साथ में एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो परिभाषा दी गई उनके आधार पर अपने एक सामान्य सी परिभाषा बनी है। उस परिभाषा बारे में अगर बात करें अपन, तो वो परिभाषा है मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जा सकती है। यानी ये कार्य तो करती है विनिमय का माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान और मूल्य संचय, साथ में उसमें ये लक्षण भी होने चाहिए उस वस्तु जिसको अपन मुद्रा कहते हैं, वो स्वतंत्र होनी चाहिए यानी किसी से प्रभावित नहीं हो, विस्तृत यानी उसका बहुत बड़े क्षेत्र में स्वीकार्यता होनी चाहिए, और सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार का मतलब है जिसे सामान्य स्वीकृति मिलनी जरूरी है, ऐसी वस्तु को अपन मुद्रा कह सकते हैं। जैसे अपन भारत में अपन बात करें कि रुपए को मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अब अपन बात करेंगे इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है मुद्रा के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। यानी मुद्रा के कार्य चार हैं, पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य या सहायक कार्य कह सकते हैं अपन, तीसरा आकस्मिक कार्य और चौथा है अन्य कार्य। पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य दो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। यानी ये जो प्राथमिक कार्य हैं वो सभी देश काल परिस्थितियों में ये मुद्रा के कार्य होते हैं, वो सब जगह ये मुद्रा, जहाँ पे भी मुद्रा प्रचलित है, ये दो कार्य वो जरूर करती है। पहला विनिमय का माध्यम, यानी अपन किसी भी वस्तु या सेवा का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तु या सेवा से नहीं होकर मुद्रा के माध्यम से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अपन वस्तु या सेवा का जो क्रय और विक्रय करते हैं वो मुद्रा के रूप में करते हैं। अपन किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसमें बदले मुद्रा लेते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके बदले उसको मुद्रा देते हैं। इसका मतलब यह है कि विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कार्य है। इसी कार्य के कारण वो जो वस्तु विनिमय में आवश्यकता दोहरे संयोग की कठिनाई थी उसको इसने दूर कर दिया। दूसरी बात आती है मूल्य का मापक, यानी वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। यानी एक वस्तु का क्या मूल्य है, एक वस्तु कितने रुपए की है, ये सेवा कितने रुपए की है, उसको अपन मुद्रा के रूप में मापते हैं। इस कारण से इसे अपन लेखे की या हिसाब की इकाई भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है लेखे की इकाई या हिसाब की इकाई मुद्रा का कौन सा कार्य, यानी वो है मूल्य का मापक। इसका मतलब यह है कि मुद्रा अपन वस्तुओं को, एक वस्तु कितने रुपए की है, या अपन जो अकाउंट्स बनाते हैं या लेखे बनाते हैं उसमें अपन जो वस्तुओं का मूल्य या उत्पादन साधनों का मूल्य, उन सबको अपन मुद्रा के रूप में लिखते हैं कि इतने रुपए की है, इतने रुपए की है। या अपन जो आपसी जो व्यवहार में अपन जैसे देखते हैं, खाता बनाते हैं, बही खाता कोई भी, तो वो अपन सब उसमें मुद्रा के रूप में दर्ज करते हैं कि ये वस्तु सेवा कितने रुपए की क्या है। इन प्राथमिक दो महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्यों के साथ अब अपन बात करते हैं गौण कार्य। गौण कार्य को अपन सहायक कार्य भी कह सकते हैं, जो प्राथमिक कार्य
में सहायता करते हैं, जो देश के विकास होता है, तो इस प्राथमिक कार्यों के साथ साथ इन गौण कार्यों की भूमिका भी बढ़ती जाती है। जैसे भावी भुगतानों का आधार, यानी ऋण अपन लेते हैं, या भावी भुगतान का मतलब है अभी भुगतान नहीं करके आगे आने वाले समय में भुगतान करना। जैसे अपन बात करते हैं ऋण लेते हैं, ऋण का मतलब है कि अपन किसी से उधार लेते हैं और उसे आगे भविष्य में अपन वापस चुकाते हैं। ये जो भविष्य में वापस चुकाते हैं वो अपन मुद्रा के रूप में चुकाते हैं। ये सुविधा अपने वस्तु विनिमय में नहीं थी। वस्तु विनिमय में क्या होता है कि आगे भविष्य में वस्तुओं का मूल्य में स्थिरता नहीं थी। दूसरी बात है कि मुद्रा के रूप में अपन ऋण इसलिए भी चुकाते हैं कि एक तो इसके मुद्रा के मूल्य में स्थिरता से भी ज़्यादा है, दूसरा लोगों की सामान्य स्वीकृति भी इस पर ज़्यादा है। दूसरी बात करते हैं अपन मूल्य संचय का आधार। मूल्य संचय का आधार का तात्पर्य कि मुद्रा के कारण ही अपन मूल्य का संचय कर सकते हैं, यानी अपन अपनी धन परिसंपत्तियों का अपन मुद्रा के रूप में संचय कर सकते हैं। अगर वस्तुओं का संचय करने से क्या वो ख़राब होने का डर रहता है और उसके कारण अपने हानि होने की समय, लेकिन मुद्रा के मूल्य में स्थिरता ज़्यादा होने के कारण अपन मुद्रा के रूप में अपन मूल्य का संचय कर सकते हैं। तीसरा जो गौण कार्य है, सहायक कार्य है कि मुद्रा मूल्य का हस्तांतरण है। मुद्रा के क्रय शक्ति को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित आसानी से किया जा सकता है, यानी अपन एक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं आसानी। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये एक कठिनाई थी कि उसका मूल्य हस्तांतरण करना मुश्किल होता था, और जितनी भारी वस्तु होती थी उतना ही ज़्यादा उस वस्तु को वो हस्तांतरित करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती। लेकिन मुद्रा में ये समस्या नहीं है, अपन कहीं पे भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कहीं पे भी जाएं, अपन दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, राजस्थान में, तो हर जगह अपन मुद्रा को आसानी से ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को हस्तांतरित कर सकते हैं। ये तीनों जो मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं उसमें गौण कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक की भूमिका निभाते हैं, उन प्राथमिक कार्यों में और ज़्यादा वृद्धि करते हैं और विकास में सहायक होते हैं। आकस्मिक, प्रोफेसर किनले के अनुसार आकस्मिक कार्य वो होते हैं जो देश के विकास के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। जैसे आकस्मिक कार्य, जैसे एक देश का विकास होता है तो साख की मात्रा बढ़ती जाती है। साख सृजन अपन अलग एक टॉपिक में पढ़ेंगे, जब बैंक कैसे वाणिज्य बैंकें हैं वो साख का सृजन करती है। आज के युग में साख मुद्रा का महत्व मुद्रा के महत्व से भी अधिक हो गया है। इसका कारण ये है कि आज बैंकें, जैसे बैंकों के अंदर 10,000 करोड़ रुपए, उससे वो 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए बना लेती है। यही अब साख सृजन होता है जो इतना, तो आज के समय में ज़्यादातर डिजिटलाइजेशन होने लगे हैं, ऑनलाइन लेन देन, तो इससे बैंकों को भी साख सृजन ज़्यादा करने की क्षमता बढ़ गई, और इस साख सृजन का आधार है वो मुद्रा ही है। दूसरा आकस्मिक कार्य बारे में बात करें तो आय के वितरण में सहायक, यानी उत्पादन के 4 साधन होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी। इन चारों साधनों को, श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज तथा उद्यमी को लाभ मिलता है। तो इन राष्ट्रीय आय का इन 4 साधनों में वितरण होता है, उन वितरण को मुद्रा के कारण उनमें वितरण उनको वितरण करने में ज़्यादा सुविधा हुई है कि प्रत्येक उत्पादन साधन को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर भुगतान कर दिया जाए। तो इस प्रकार सारा जो सीमांत उत्पादकता के बराबर अगर उत्पादन के साधन को आय का वितरण कर दिया जाएगा तो सारा उत्पादन है वो वितरित हो जाएगा। तो इसके कारण ये आय वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तीसरी बात करते हैं अपन पूंजी की तरलता में वृद्धि। आजकल धन या पूंजी को मुद्रा के रूप में ही देखा जाता है, इससे पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता में भी वृद्धि होती है। पूंजी की तरलता में वृद्धि का तात्पर्य यह है कि अगर मान लो मुझे मकान बेचना है तो मैं मुद्रा को बेच के मुद्रा प्राप्त कर सकता हूँ, पहले ऐसे आसान कार्य नहीं था। दूसरी बात यह कि गतिशीलता भी इसलिए आ गई कि आज मुझे जैसे नागौर में मेरे पास मकान हो तो उसको मैं बेच के क्यूंसर में भी ले सकता हूँ, उसको बेच के मैं मेड़ता में भी ले सकता हूँ, उसको बेच के मैं जयपुर में भी ले सकता हूँ, तो ये इसमें पूंजी की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। अगला है जो है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सहायक, यानी मुद्रा के माध्यम से उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि सभी वस्तुओं पर खर्च किए गए अंतिम रूप इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान होती है। यानी सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार अगर सब वस्तुओं पर समान अंतिम इकाई पर खर्च किए गए रुपये से अगर उपयोगिता समान प्राप्त होगी तो एक उपभोक्ता की संतुष्टि वो अधिकतम होती है, और मुद्रा के माध्यम से वो ऐसा कर सकता है।
तो इस कारण से वह अपनी आय से अधिक संतुष्टि भी प्राप्त कर। इसी प्रकार एक उत्पादक है वो भी अपने आय को अधिकतम कर सकता है या लाभ को अधिकतम कर सकता है। वो उत्पादन के साधनों को उस मात्रा तक उनका भुगतान करे जितनी वो सीमांत सभी साधनों के सीमांत उत्पादकता अगर समान हो जाए तो उसके उत्पादक के लाभ हैं वो अधिकतम हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन अन्य कार्यों की। ये प्राथमिक गौण तथा आकस्मिक कार्यों के बाद में अपन अन्य कार्य बात करें तो अन्य कार्यों में अपन देखते हैं कि अपनी इच्छा की वाक एक मनुष्य की इच्छा है। जैसे अचानक कोई चीज़ खरीदने की इच्छा हो तो उसके पास मुद्रा है तो वो तुरंत खरीद सकता है। लेकिन अगर मान लो जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति हमेशा वस्तु लेके नहीं घूमता था लेकिन मुद्रा की स्थिति में व्यक्ति हर समय मुद्रा ले तो उसको जैसे चॉकलेट की आवश्यकता हुई तो तुरंत खरीद सकता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ये है कि अगर अपने दूसरी वस्तु खरीदने की इच्छा हुई लेकिन सामने वाले को उस वस्तु जो अपने पास वस्तु वो नहीं चाहिए तो उन दोनों के बीच में विनिमय नहीं हो पाता। इसलिए मुद्रा में वे गुण है जैसे किसी भी वस्तु किसी भी समय अपन विनिमय किया जा सकता है और मनुष्य मुद्रा मनुष्य को भावी निर्णय लेने में भी सहायता करती है। अगला कार्य अपन देखें तो वो है तरल संपत्ति का रूप, यानी मुद्रा को तरलता सबसे ज़्यादा मुद्रा में होती है कि अपन तुरंत कोई चीज़ खरीदना चाहिए तो अपन तुरंत खरीद सकते हैं विद इन सेकेंड। लेकिन अगर अपने पास संपत्ति जैसे अपने पास गाड़ी हो मकान हो कुछ भी हो लेकिन उसको अपन मुद्रा में बदलते हैं तो समय लगता है, वो तरलता नहीं होती है और उनकी स्वीकार्यता भी इतनी नहीं। तो इस कारण से मुद्रा को तरलता का कारण मुद्रा है। और मुद्रा अपन इसलिए भी तरल संपत्ति के रूप में रखते हैं कि ये अपने आकस्मिक कार्यों में काम आती है। जैसे अपने दैनिक लेन देन के साथ साथ अपन जैसे निवेश करने के या सट्टा उद्देश्य से भी साथ में अपनी आगे आने वाली कोई कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी अपने को कार्य है। जैसे फर्म को व्यक्ति को दोनों को भी आगे कोई आकस्मिक घटनाओं में संकट के समय सामना करने में भी मुद्रा महत्वपूर्ण, इसलिए भी मुद्रा तरल संपत्ति के रूप में पास रखा जाता है। एक और इसका अपन अन्य कार्य मान सकते हैं भुगतान क्षमता का सूचक। यदि किसी व्यक्ति या फर्म के पास मुद्रा रूपी तरल संपत्ति उसी भुगतान क्षमता की सूचक होती है, यानी जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा मुद्रा होगी उसकी भुगतान क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, जिस व्यक्ति के पास मुद्रा कम होगी उसकी भुगतान क्षमता उतनी ही कम होगी। यानी एक व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि उसकी क्षमता कितनी उसके आधार पर अपन देख सकते हैं। अगर व्यक्ति के पास रुपये ही नहीं है तो वो एक तरीके से दिवालिया भी हो सकता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये अन्य कार्य भी उसके आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये अपन इसमें अपन कार्यों के बारे में बात की है। ओके, थैंक यू।